योगी सरकार ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय और लखनऊ खंड पीठ में सरकार के मुकदमों की पैरवी के लिए विशेष अधिवक्ता नियुक्त करने की परंपरा पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि हाईकोर्ट में सरकारी वकील ही उसके मुकदमों की पैरवी करेंगे। हालांकि अपरिहार्य परिस्थितियों में विशेष अधिवक्ता को नियुक्ति जरूरी होगी तो संबंधित मामले के सभी तथ्यों से महाधिवक्ता को अवगत कराया जाएगा। प्रदेश के महाधिवक्ता ने पत्र भेजकर शासन को बताया था कि तमाम सरकारी विभाग और एजेंसियां सामान्य मुकदमों की पैरवी के लिए भी लाखों फीस देकर विशेष अधिवक्ता नियुक्त कर रही है, जिससे न सिर्फ सरकार पर लाखों का व्यय भार बढ़ता है बल्कि पहले से तैनात सरकारी अधिवक्ताओं का मनोबल भी गिरता और छवि धूमिल होती है। पत्र में कहा गया है कि बिना कारण इंगित किए विशेष अधिवक्ताओं की नियुक्ति कर दे रही है, जिससे सरकारी खजाने पर फिजूल भार पड़ रहा है। महाधिवक्ता ने कहा कि विशेष अधिवक्ताओं की अभद्रता पर 5 लाख के इर्द गिर्द प्रति पेशी के हिसाब से की जा रही है, यानी यदि मुकदमा महीने में 3 बार लग गया तो विशेष अधिवक्ता को 15 लाख रुपए फीस देनी पड़ती है। यदि मुकदमा कई पेशी तक चला तो कई लाख रुपए बिल विशेष अधिवक्ता का बन जाता है। महाधिवक्ता अजय मिश्रा के पत्र पर राज्य सरकार ने 16 दिसंबर को शासनादेश जारी कर दिया है। विशेष सचिव न्याय इंद्रजीत सिंह ने शासनादेश जारी करते कहा है कि सामान्य तौर पर उच्च न्यायालय में पैरवी के लिए पहले से नियुक्त सरकारी अधिवक्ताओं में से किसी को आबद्ध किया जाए।